अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। तुम ध्यान रखा करो यार अपना। क्या हुआ समर? तुमने मेरी बहन पे हाथ उठाया? हाँ, मेरी बहन पे हाथ उठाया? हमने तुझे इतनी इज्जत दी, इतना प्यार दिया, तूने ये किया? तेरी वजह से मैंने अपनी बीवी को घर से बाहर निकाला। तेरी वजह से मेरी आज बहन की ये हालत है। हिम्मत कैसे हुई तेरी? हाँ, सच का पता चल गया ना तुम सब लोगों को? अपनी बहन को अपने घर बिठा के रखो, क्योंकि मैं छोड़ रहा हूं उसे। देखता हूं कैसे पालते इस बच्चे को। छोड़ो मुझे। नहीं 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 समा, समा। तुझे तो मैं छोड़ो भाई, मुझे छोड़ो। नहीं आकाश, रुक जा समर। माँ रुक जा समर। नहीं माँ। समर के लिए जो तुमने अभी कहा, और तुम क्या छोड़ोगे मेरी बेटी को? मैं ही उसे तुम्हारे पास नहीं आने दूंगी। मम्मी जी आप भी, आप तो परिवार की इज्जत, परिवार के नाम को अच्छी तरह समझते हैं मम्मी जी। चुप! और खबरदार जो तुमने मुझे मम्मी जी कहा तो। हाँ, मैं समझती हूँ परिवार की इज्जत, परिवार का नाम, लेकिन तुमसे किसने कहा कि मैं अपने बेटों की तकलीफ नहीं समझती हूं? किसने कहा तुमसे? हाँ, मैंने अपने बेटी को कहा था कि शादी के बाद थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए, लेकिन तुमसे किसने कहा कि एडजस्टमेंट का मतलब है पति की मार खाना, उसकी पैर की जूती बनना, उसके हर धोखे को नजरअंदाज करना है? छोटी छोटी बात पर मायके आने की सलाह नहीं देती हूँ मेरी बेटी को मैं, लेकिन इतनी बड़ी बात अपनी माँ से छुपाए ये भी मैंने मेरी बेटी को नहीं सिखाया है। ये कहकर नहीं विदा किया था कि उसकी माँ उसके लिए मर चुकी है। जिंदा हूं मैं अभी। मैंने मेरे बेटी को रिश्तों को निभाना सिखाया है, लेकिन अगर मेरे बेटी के साथ कोई ऐसा सुलूक करेगा तो मैं खुद उस रिश्ते को तोड़ूंगी, और मैं अभी इसी वक्त तुमसे और तुम्हारे परिवार से सारे रिश्ते तोड़ देती हूं। और खबरदार अगर इसके आगे सारिका के आसपास भी नजर आए तो। और रहा सवाल उस बच्चे का जो उसकी कोख में पल रहा है, जैसे सारिका के लिए उसकी माँ अभी तक जिंदा है, उसी तरह उस बच्चे के लिए उसकी माँ अभी तक जिंदा है। उस बच्चे को तुम्हारे जैसे बाप की जरूरत नहीं है। अभी के अभी इसी वक्त इस घर से निकलो। निकलो इस घर से। इन्हें ना शौक है अपनी बेटी को घर बिठाने का। जब ये इनकी फैमिली में वापस जाएगी ना, तो इनकी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। नहीं नहीं मुझे मुझे इसके साथ नहीं रहना है।
जया। नहीं बेटा नहीं, रोते नहीं, तू मेरी बेटी है ना, और मैंने मेरी बेटियों को हालात से लड़ना सिखाया है, रोना नहीं। चल बेटा, अब जो हुआ ना उसे भूल जा, अब एक नए सिरे से अच्छी जिंदगी शुरू करते हैं। मामा बच्चा। मत उठाना, कोई जरूरत नहीं है फोन उठाने की, मत उठाना फोन। मैं तो कहती हूं उसका नंबर ही डिलीट कर दे। प्लीज 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 जया, प्लीज पिक अप द फोन यार, एक बार मुझे तुमसे माफी तो मांगने दो यार। समर बेटा, क्या हुआ, जया फोन नहीं उठा रही? कैसे समझाऊंगा उसे, पर अब तो मानेगी भी नहीं। एक तो उस दिन मैंने उसे इतना कुछ सुना दिया, और आज जज के सामने भी मैंने उसे क्या किया मैंने यार, एवरीथिंग इज फिनिश, सब खत्म कर दिया मैंने। समर बेटा, जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो अपनी गलती सुधारना चाहे तो सब कुछ दोबारा ठीक हो सकता है बेटा। देख समर, तू कोशिश कर, कैसे भी करके जया को मना दो। बेटा जैसे तू जया से प्यार करता है, वैसे जया भी तुझसे बहुत प्यार करती है, और जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ गलती और गलत फहमियों के लिए ज्यादा जगह नहीं होती। समर, तू एक बार जया को मना ले, उसके बाद मैं सत्या जी से बात करूंगी। पर कैसे कैसे मनाऊं उसे, वो फोन तो उठाए एक बार। अगर वो फोन नहीं उठा रही है तो जाके मिल उसे। आपको सच में लगता है कि सत्या माँ मुझे अब उससे मिलने देंगी? और सत्या जी को पता ही ना चले तो? देख बेटा, ये तुम दोनों के बीच की बात है, इसमें तीसरा बीच में क्यों आएगा? तू जया से अकेले में मिल, पहले भी तो गया था ना तू जया के घर उसे मनाने के लिए। माँ, तब की बात अलग थी, अब समर, प्यार तो तब भी उतना ही था जितना आज है। मुझे तुम दोनों के प्यार पर पूरा भरोसा है बेटा। मैं जानती हूं कि इस बार भी तू जया को मना लेगा। कोशिश कर बेटा। मैं तुमसे माफी मांगने आया। जय, मुझे सब पता चल गया, तुम्हारी और तुम्हारी मम्मा की कोई गलती नहीं है, सारी गलती उस आकाश की है, एक नंबर का घटिया इंसान है वो, मेरी बहन को धोखा दे रहा था जय वो। आई एम रियली सॉरी, मेरी बहुत बड़ी गलती है जय, मैंने तुम पे ट्रस्ट नहीं किया। जय प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज घर वापस आ जाओ। जय, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जया, प्लीज जया जया, मुझे तुमसे कोई डिवोर्स नहीं चाहिए, मैं सब कुछ पहले जैसा करना चाहता हूँ, जैसे हम पहले रहते थे हंसी खुशी। एक मौका दे दो जया, मैं सब ठीक कर दूंगा जया, तुम जो बोलोगी वो होगा, मैं तुम पे हमेशा ट्रस्ट करूंगा जया, प्लीज माफ कर दो। समय मुझे सिर्फ एक बात की खुशी है कि तुम्हें आकाश का सच पता चल गया,
तुम्हें छोड़ने के बाद से एक बात की चिंता थी मुझे कि सारे का दी गलत घर पे अब नहीं रहेगी जया। मैंने आकाश को मार मार के घर से बाहर निकाल दिया। जैसे मुझे निकालना था जया। जया, वो मेरी गलती थी। जया, ये गलती दोबारा नहीं होगी। प्लीज मुझे माफ कर दो जया। प्लीज घर वापस आ जाओ। प्लीज, ऐसा कभी नहीं हुआ। जो बातें तुमने मुझे सुनाई क्या वो वापस ले सकते हो? रोई, चीखी, चिल्लाई, वो आंसू वापस दे सकते हो? मेरी मम्मा को, परिवार को इतनी भरी बुरी बातें बोली, वो वापस ले सकते हो? डिवोर्सी फैमिली, पागल लोग, जिद्दी फैमिली, ये सारे शब्द वापस ले सकते हो? पल पे भी मुझ में ना भरोसा करने की तकलीफ वापस ले सकते हो? मेरी मम्मा को जो तकलीफ हुई वो जया, मैंने जो बोला वो तो मैं बदल नहीं सकता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुम पे भरोसा नहीं किया यार। और जैसे ही मुझे सच पता चला ना, मैं उसी वक्त तुमसे माफी मांगने आ गया। प्लीज मुझे माफ कर दो। अभी तक मैं तुम्हें झूठी लग रही थी। मेरी बातें, मेरे आंसू, सब तुम्हें झूठे लग रहे थे। और अब अचानक से सब सच्चा हो गया। मैं, मेरी बातें, आंसू, सब सब सच्चा हो गया तुम्हारे लिए। पर कब तक समर? कब तक? तब तक जब तक फिर से तुम्हारा कोई अपना तुम्हें आके मारे बारे में कुछ नहीं बोलता, फिर मैं, मेरी मम्मा झूठे हो जाएंगे, फिर तुम हमें छोड़ के उनके साथ हो जाओगे। मुझे कहते हो ना कि मैं अपनी मम्मा की बात सुनती हूँ, तुम्हारा क्या? तुम तो किसी की भी सुन लेते हो। तुम्हारी बहन, जीजू, बस अपनी बीवी की बात नहीं सुन सकते तुम, है ना? तुम हमेशा कहते थे ना समर की तुम्हें ऐसी लाइफ बांधना चाहिए जो तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दे। मुझे भी ऐसे ही लाइफ पार्टनर चाहिए था जो मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दे। ऐसा पति कभी नहीं चाहिए था मुझ पर भरोसा ही ना करे। नहीं चाहिए था मुझे महलों जैसा घर, सुरानस का बड़ा नाम, मोस्ट एलिजिबल बैचलर इन टाउन, कुछ नहीं चाहिए था मुझे। बड़े घरों में ना बेइज्जती भी बड़ी की जाती, बड़े घरों के इल्जाम भी बड़े होते, बड़े घरों में सुनाई गई बातें लंबे समय तक कानों में गूंजती, बड़े घरों में स्वागत जितना बड़ा होता है ना, बेइज्जती भी उतनी बड़ी की जाती है जैसे मेरी और मेरी मम्मा की गई थी। But you know what? अब मैं अपने छोटे से घर में ही खुश हूँ, अपने गिनती के दो चार रिश्तों में ही खुश हूँ, डिवोर्सी फैमिली की एक और डिवोर्सी बेटी के लाने में ही खुश हूँ। एक बार मेरी बात सुन लो जया। जया, बहुत बड़ी गलती हुई जया, तुम्हारी कसम, ये गलती दोबारा नहीं होगी। जया, मैंने आज तक तुम्हारी कसम नहीं खाई क्योंकि मुझे डर था कि ये डूब ना जाए, पर तुम्हारी कसम जया, मैं इस कसम को कभी नहीं तोड़ूंगा। प्लीज जया, मुझे माफ कर दो जया, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। प्लीज घर वापस आ जाओ। प्लीज जया, मैं कैसे रहूंगा जया, मैं तुम्हारे बिना? नहीं जया, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। हाँ छोड़ो मेरा समर, ऐसे रहूंगा तुम्हारे बिना? प्लीज जया, चलो ना। उसने बोला ना कि हाथ छोड़ो मेरा, मतलब छोड़ो। माँ, माँ, बस वो मिनट में सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। माँ, माँ सुनिए ना, माँ, माँ, जया, जया प्लीज माँ को बोलो ना, जया, जया, जया प्लीज, जया, जया माँ को समझाओ ना, जया प्लीज। माँ, माँ मेरी बात तो सुनो, माँ, माँ बस दो मिनट दो, माँ।
एक बार मेरी बात तो सुन लो माँ। माँ सुनिए ना, जया जया माँ एक बार मेरी बात सुन लो माँ प्लीज। जया जया प्लीज माँ को बोलो ना, माँ माँ मा, एक बार मेरी बात सुनो माँ, माँ माँ एक बार मेरी बात तो सुन लो माँ। जया जया बस बहुत सुन ली तुम्हारी, अब तुम ना सिर्फ मेरी बात कान खोल कर सुन लो, आज के बाद यहाँ आने की हिम्मत मत करना। अगर तुम यहाँ दोबारा दिखाई दिए ना तो सीधे जेल भिजवा दूंगी। जया जया बांगो बोलो ना माँ, एक बार मेरी बात सुन लो माँ। माँ मैं अपना रिश्ता नहीं बचा पाया, अब वो नहीं आएगी। इतने जल्दी हार मान गया? जिसका नाम समर है वो बिना लड़े हथियार नहीं डाल सकता। कैसे लड़ो, किससे लड़ो? अगर बात सिर्फ जया को जीतने की होती ना माँ, तो कब का जीत के लिए आता? आज मिला था मैं एक पल के लिए अपनी जया से, मेरी जया से, पर जैसी उसकी मम्मा आई, मेरी जया फिर कहीं गायब हो गई। उसकी मम्मा अब हमें एक नहीं होने देंगी, उन्होंने अपने दिल में ठान लिया है वो हमारा डिवोर्स करा के रहेंगी, क्योंकि उन्हें यही समझ में आता है अपनी दो बेटियों का डिवोर्स करा के उन्हें लगता है वो सुखी हैं, तो अब वो अपनी तीसरी बेटी को भी सुखी रखना चाहती हैं। समर, ऐसा वो सोचती है, हम तो नहीं। समर, अब ये लड़ाई तेरी और जया की नहीं रही, ये लड़ाई सोच की है, अलग विचारधाराओं की है। देख समर, अब तुझे सिर्फ जया को नहीं मनाना है, उस परिवार की जड़ों को ठीक करना है तुझे, उस परिवार की सोच को बदलना है, सत्या जी की बिलीव्स को बदलना है। बेटा, अगर किसी चीज पर धूल जम जाए तो उसे साफ करना आसान होता है, लेकिन अगर किसी चीज पर जंग लग जाए तो उसे मिटाना बहुत मुश्किल। उस परिवार की सोच सालों पुरानी है और उस पर जंग लग गया है और तुझे उस जंग को मिटाना है। जैसे सीता जी को रावण ने कैद कर रखा था, वैसे ही जया को उसकी मां की सोच ने कैद कर रखा है। उनकी सोच उस घर का रावण बन चुका है, और जब तक सोच नहीं बदलेगी कुछ नहीं बदलेगा। समर, तुझे उनकी सोच को बदलना होगा। कैसे करूंगा मैं ये सब, कैसे माँ? आज उन्होंने मुझे धक्के देके घर से बाहर निकाला। जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ रास्ते अपने आप निकल आते हैं। तेरा प्यार अब जंग बन चुका है समर, और इस जंग में सब कुछ जायज है और जरूरी भी। मंजिल तुझे पता है, रास्ता तुझे ढूंढना है, ढूंढ।